सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माई नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। तो यार, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ने तो हमें डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन हम सुधरने नहीं वाले। अब हमें उम्मीद है थॉर लव एंड थंडर से, जिसमें हमें थॉर, माइटी थॉर और गॉड द गॉड बुचर भी दिखने वाला है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि सबके सब कॉमिक्स नहीं पढ़ते मेरी तरह। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉड द गॉड बुचर की ओरिजिन की, कि वो कैसे थॉर तक पहुंचता है और उसकी पास्ट की कहानी क्या है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बंजर प्लेनेट पर लगभग 3000 साल पहले, और इस प्लेनेट पर भुखमरी चाहिए हुए, खाने को कुछ नहीं है और अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये प्लेनेट खत्म होता जा रहा है, और इस प्लेनेट पर सिर्फ एक ही कबीला है जिसमें गौर भी रहता है, और ये सब जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए अपना कबीला इधर उधर सेट करते ही रहते हैं। और इस कबीले के आधे से ज्यादा लोग काफी ज्यादा धार्मिक है, और तभी गौर को गॉड से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि बचपन में ही जंगली जानवरों ने गौर की माँ को मार दिया और उसकी बीवी भी एक भूकंप की वजह से जाती, और उसके बच्चे भी भूख प्यास की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। तो इसी के चलते गौर ने कबीले वालों से कह दिया कि तुम्हारा भगवान काफी ज्यादा सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। तो ये सब सुनकर कबीले वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उन सबने गौर को कबीले से बाहर निकाल दिया। फिर गौर एक पूरे प्लेनेट पर अकेला पड़ गया, और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तभी उसे दो गॉड आपस में लड़ते हुए दिखते हैं, जिसमें से ब्लैक वाला गॉड था नल, द गॉड ऑफ सिम्बियोट, और दूसरा वाला भी एक गॉड था जिसने गोल्डन कलर का आर्मर पहना हुआ था, और दोनों एक दूसरे को घायल करते हुए जमीन पर गिर जाते हैं, और नल तो बेहोश हो जाता है, और गोल्डन वाला गॉड गौर से मदद मांगता है। तो ये सब सुनकर गौर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और गौर बोलता है कि जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी तुम कहाँ थे। तब गुस्से में गौर ने पास ही में पड़ा नल का वेपन उठाया और गोल्डन वाले गॉड की छाती में डाल दिया, और गॉड को मारने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, और उसने कसम खाई वो उन सब गॉड को मार डालेगा जिसने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। तभी से वो एक सफर पर निकल पड़ा, जहां वो उन सभी गॉड को ढूंढ रहा था जिन गॉड ने उसके प्लेनेट को बर्बाद किया था, जैसे गॉड्स ऑफ केओस, गॉड्स ऑफ अर्थक्वेक और भी कई सारे गॉड्स को मारने के बाद इसका नाम पड़ता है गॉड द गॉड बुचर। फिर फाइनली ये मिलता है गॉड ऑफ थंडर से, यानी कि थॉर से। अब कॉमिक्स में तो थॉर ने गौर को मार ही दिया था, अब एमसीयू में देखते हैं क्या होता है। और हाँ, एक फन फैक्ट, कॉमिक्स में गौर को मारने के बाद निक फ्यूरी ने थॉर को अनवर्दी कर दिया था, वैसे कि निक फ्यूरी ने थॉर के कान में बोला गौर वॉज राइट। फिर थॉर के हाथों से हथौड़ा छूट गया और वो अनवर्दी हो गया। पर बस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।